हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस के सब्जेक्ट पे मैं चल रहा हूं, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, छठे क्वेश्चन तक अपन पहुँच गए हैं, जल्द से जल्दी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आगे बढ़ रहे हैं और आई होप आप सभी डिटेल वीडियो देख कर यहाँ पर 5 अंतिम प्रहार के क्वेश्चन देख के छठे पे आए हैं, तो आप सभी बहुत मेहनत चल रही है। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज़ादी के बाद तुरंत प्राप्त हुआ, जो फैक्ट्री एक्ट 1940 और ड्यूटी फैक्ट्री मैनेजर की ड्यूटी क्या है। अब यहां पर याद रखना, जब 1948 था तब फैक्ट्री मैनेजर का मतलब ओनर ही होता था, है ना। तो यहां पर जो ड्यूटीज लिखी है वो एक ओनर टाइप ही ड्यूटीज लिखी है, क्योंकि फैक्ट्री का जो मैनेजर होता था वो ओनर ही होता था। आज जब कंपनीज बड़ी हो गई तो फैक्ट्री का मैनेजर एक लेवल पे आया, उसके बाद में सीनियर मैनेजर आ गया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ गया, फिर प्रेसिडेंट आ गया, सीईओ आ गया, ओनर्स आ गए, बोर्ड ऑफ मेंबर्स आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर यहां पे जो ड्यूटीज लिखी है वो बेसिकली एक वो फैक्ट्री मैनेजर की थी जो कंपनी का ओनर्स भी था, यानी कि ये जो एक्ट के अंदर जिसका बनाया गया था फैक्ट्री एक्ट, वही ड्यूटीज वहां पे भी रिपीट हो रही है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 क्यों बना था, ये इसलिए बना था उस समय हमको फैक्ट्री का थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करना था, और क्या करना था, हमको यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट देना था, और क्या करना था, सेफ्टी और मेजर जो अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे वर्कर्स को, उनको सेफ्टी भी, मतलब हैजार्डस सिचुएशन में वो काम नहीं करे, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी रहे और वो अच्छे से उनका वर्किंग कंडीशन हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, पेमेंट वेजेस एक्ट भी बना इसके पैरेलल में ही, तो ये सारी चीज़ें शुरू की गई। तो इसका पर्पस ये था कि सेफ्टी इंश्योर करना, फैक्ट्री में वर्कर की सेफ्टी, वेलफेयर और हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके मेजर जो मेन प्रोविज़न है, तो मेन प्रोविज़न में यह था कि आपको फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले ये जब बनाया था तब कंपनी एक्ट नहीं आया था, तो इन्होंने फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वर्किंग आवर आपको फिक्स करने होंगे, 10 आवर 12 आवर्स, कितने आवर्स आप वर्किंग कराओगे, है ना। और यंग पर्सन को आपको एम्प्लॉय देना होगा, यानी कि एम्प्लॉय का भी ये प्रोविज़न कर रखा था कि इतनी अगर आपने फैक्ट्री खोली तो इतने नंबर ऑफ लेबर्स आपको प्रोवाइड कराने ही होंगे, मतलब इतने नंबर ऑफ जॉब्स आपको क्रिएट करने ही होंगे। इसके अलावा सेफ्टी मेजर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा प्रोविजंस लेने होंगे। गवर्नमेंट ने जो एनओसी बना रखी है एनवायरमेंट की, वो भी क्लियर करानी होगी। हेल्थ की अमेनिटीज भी होनी चाहिए, लाइक कि आप हेल्थ की अमेनिटीज, लाइक एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, है ना, ये जो बेसिक रेस्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और वेलफेयर की फैसिलिटी आप कह सकते हो, यहां पे पीएफ और ग्रेच्युटी का उदय होना शुरू हुआ था, और नॉर्मल फैसिलिटी लाइक रेस्ट रूम बनाना, टॉयलेट्स बनाना और कैंटीन की व्यवस्था करना, ये बेसिक है, वेलफेयर फैसिलिटी होनी चाहिए। ये फर्स्ट एड की फैसिलिटी भी वेलफेयर फैसिलिटी में आ जाती है, वो हेल्थ के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, ये बेसिक फैसिलिटी। और इसके अलावा जो मेन प्रोविज़न अब आए वो थे एक एनुअल लीव विथ वेजेस, यानी कि एक छुट्टी देना है वो भी पैसे के साथ। पहले अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रोविज़न आया कि भाई वेजेस के साथ भी आपको इनको लीव देनी होगी, एनुअल वेजेस लीव देनी होगी। जो अभी कैजुअल लीव भी आई है, एनुअल वेजेस लीव भी आई है, अभी देते नहीं है एम्प्लॉई, बात तो वही है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविज़न कर रखा था फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 में कि ये आपको करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्सनल रिक्वायर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सनल लाइक फैक्ट्री मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर। हाँ, अगर किसी बंदे को अपॉइंट करना इन्होंने कंपलसरी करा था, लाइक सेफ्टी मैनेजर्स हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, जिनमें सीए की उस समय काफ़ी अच्छी जॉब लगी, सीए का जो उदय हुआ कंपनी सेक्रेटरी का, जो लॉ के कंप्लायंसेस देखता था, सेफ्टी एंड हेल्थ के इशू देखता था, उसका उदय होना शुरू हुआ। और एचआर मैनेजर की भी फिलोसॉफी यहीं से आई कि एचआर को ये काम देने शुरू हुए। वो क्या करता था, फैक्ट्री मैनेजर होता था, वेलफेयर ऑफिसर होता था, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता था, ये सारे सैलरी का भी मैनेजमेंट करता था, और अगर ये सारे आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज फॉर वायलेशंस होगा, सिंपल सी बात है। और इसको गवर्नमेंट ने एनफोर्स कर दिया था और सारी जगह पास कर दिया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक क्रूशल रोल प्ले करा फॉर द सेफ गार्ड बना किसके, राइट्स एंड वेलबींग ऑफ द वर्कर के लिए। ठीक है, और अब आ जाते हैं इसमें फैक्ट्री मैनेजर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसकी बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो लीगल कंप्लायंसेस गवर्नमेंट ने दी रखी है उनको फुलफिल करे, सेफ्टी मेजर फुलफिल हो, हेल्थ मेजर फुलफिल हो, वेलफेयर की जो फैसिलिटी बोल रखी गवर्नमेंट ने, जो वॉशरूम्स बोल रखे हैं उतने अवेलेबल हो, जो लीव्स बोल रखी उतने अवेलेबल हो, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हो, एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए यंग पर्सन को, और रिपोर्टिंग हो अगर कोई एक्सीडेंट या कोई हैजार्डस डेथ होती है या कोई डेंजरस सिचुएशन होती है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की कार्यवाही भी आपकी रहेगी, ट्रेनिंग और एजुकेशन देने की भी कार्यवाही रहेगी, और रिकॉर्ड कीपिंग करने का, इन सब की भी कार्यवाही आपकी रहने वाली है। तो आई होप ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी फैक्ट्री मैनेजर्स के मैंने फंक्शंस दिखाए, ये वही प्रोविजंस हैं जो फैक्ट्री मैनेजर को फॉलो करने, क्या क्या करना है,
हेल्थ पे ध्यान देना, सेफ्टी पे ध्यान देना, वेलबींग पे ध्यान देना है, जॉब देनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है, इसके साथ वेलफेयर की एक्टिविटी करनी है, इसके साथ रिकॉर्ड रखना है, इंस्पेक्शन करना है, सेफ्टी मेजर और जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिलमेंट करना है, यही सारे के सारे प्रोविज़न आप इसके ऑब्जेक्टिव में भी और यहाँ भी, क्योंकि दोनों सेम ही थे, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन ख़त्म होता है। और आपको इसी तरीके से सारे लॉज लिखने होंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 आया, तो आपको उसके मेन प्रोविजन्स को ड्रॉ कर देने होंगे। सेक्शन अभी रहने देते हैं क्योंकि एंड टाइम भी है और इतने को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है उसकी, तो सेक्शन की जगह केवल मेन प्रोविजन्स लिखने हैं अपन को, और उसका यूजेस लिख सकते हो और उसका बेनिफिशियल कौन रहा, बेनिफिशियल तो वर्कर रहे, तो एक कंक्लूजन में वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन में फिर से एक्ट है, तो अपन वो भी देखेंगे और फिर से सीखेंगे कि एक्ट वाले क्वेश्चंस को हमको कैसे रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।